हेलो एवरी वन मैनी शिवानी आजाद एंड टुडे वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एंड एच सी एफ एल एम एंड एच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं राइट right? तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन एल सी एम एंड एच सी एफ ठीक है वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू अब मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई दो नंबर है तो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी दो नंबर हैं ए एंड बी ठीक है B. अब उनका हमने एलसीएम निकाल लिया दो नंबर का हम एल्शियम निकाल सकते हैं तो हमने एलसीएम निकाल लिया तो अस सपोज दैट एलसीएम इज व्हाट ए कॉमा बी एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी निकाल लिया हमने और एचसीएफ भी निकाल दिया एच सी एफ ऑफ एमा भी एच सी एफ भी निकालना आता है दो नंबरों का ठीक है एल सी एम भी आता है और एच सी एफ भी आता है राइट तो हमने निकाल दिया अब क्या है कि इन चारों का हमें रिलेशनशिप देखना है तो देखो चार कैसे हुए फर्स्ट ये नंबर हो गया सेकेंड नंबर हो गया एल सी एम हो गया और एच एफ हो गया तो वी है फोर क्वान्टिटीज तो इन चारों का जो रिलेशन होता है देट इज़ नथिंग बट एल सी एम इंटू एच सी एफ एल सी एम इंटू एच एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर एल सी एम इन टू एच सफ़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो एल सी एम कितना हो जाएगा एल सी एम ऑफ ए कोमा बी जो भी हमारा निकला है एल सी एम ऑफ ए कोमा भी फिर एच सी एफ ऑफ ए कोमा भी एच सी एफ ऑफ ए कोमा भी और प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब ए इन टू बी ठीक है तो ये हमारे पास में क्या आ गया रिलेशनशिप आ गया मतलब ए इंटू बी इज नथिंग बट एल सी एम इन टू एच सी एफ ठीक है तो ये रिलेशनशिप था अच्छा अब ये काम कहाँ आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं राइट right? तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन है द एल सी एम एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स द एल सी एम एंड टू एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स आर वन वन सिक्स जीरो एंड ट्वेंटी नाइन रिस्पेक्टिवली एंड ट्वेंटी नाइन रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ और सेकेंड वाला सेकेंड वाले के साथ मतलब एल सी एम वन वन सिक्स जीरो होगा और एल सी एफ ट्वेंटी नाइन होगा ठीक है तो रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज फाइंड फाइंड द अदर अदर अगर उनमें से एक नंबर वन फोर्टी फाइव है तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है सही है तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या वन एलसीएम ऑफ एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर तो एलसीएम पता है तो एल्शियम कितना हो जाएगा हमारा एलसीय कितना है वन वन सिक्स जीरो एच सी एफ पता है एच सी एफ कितना है ट्वेंटी नाइन ठीक है और वन नंबर मान लो ए तो ए पता है हमें निकालना है हमारे पास में रिलेशन है एल सी एम इंटू एच सी एफ तो टू एंटू बी एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी तो अब कैसे निकालेंगे तो वैल्यूज डाल देते हैं तो एल सी एम कितना वन वन सिक्स जीरो A कितना है 145 और B हमें निकालना है निकल जाएगा आराम से ये मल्टीप्लाई में में तो दे जाके, में तो डिवाइड अच्छा, ट्वेंटी 29 तो 29? 29, फिर फाइव से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव टू जेन फिर कितना आ जाएगा थ्री और ये टू थर्टी टू तो सेकेंड नंबर जो आ गया हमारा वो कितना बीवल टू टू थर्टी टू ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन कितना ईजी हो गया क्या ये टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ अच्छे से एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का कि का है और हमें निकालना है क्या दूसरा नंबर ठीक है ना ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट ये वाला टाइप हमारे क्लियर हो जाए ठीक है तो अब क्या है द एल सी एम द एल सी एम एंड एच सी एफ द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स ऑफ टू नंबर्स आर फोर वन टू फाइव आर फोर वन टू फाइव एंड Twenty five and twenty five respectively, twenty five respectively. One number is three seventy five, one number is three seventy five. Find by how much. इंड बाय हाउ मच सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर क्लियर तो इस पर बात करते हैं हम

अच्छा फाइंड बाई हाउ मच सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर फर्स्ट से कितना छोटा है ये हमें फाइंड करना है तो सेकेंड नंबर तो पता होना चाहिए ना पहले तो क्या हम सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ये न भी निकाल लेंगे हम अच्छा इन चारों का रिलेशन है हमारे पास में बिल्कुल है क्या होता है एल सी एम एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी एल सी एम इंटू एच सी एफ बी

फिर फाइव से ही वन बार ये कितना हो जाएगा फाइव वन जो फाइव दैट इज़ फिफ्टीन ये फाइव से थ्री बार ये फाइव से फाइव एट जो फोर्टी ट्वेल्व बचा तो फाइव टू जो टेन फाइव एट ट्वेंटी फाइव फिर ये कितना हो जाएगा थ्री से थ्री वन सा और ये हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स ट्वेंटी टू मतलब सेवन और ये फाइव तो हमारा जो बी नंबर आया है जो सेकेंड नंबर आया है दैट इज़ वन टू सेवेंटी फाइव तो अब वो पूछ रहा है जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है तो क्या करेंगे बस माइनस कर दो तो थ्री सेवनटी फाइव माइनस टू सेवेंटी फाइव करेंगे तो हंड्रेड कितना छोटा है हंड्रेड छोटा है माइनस हंड्रेड करने पे हमें कितना मिल रहा है बी मिल रहा है। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ आपको क्लियर है अच्छा अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एच प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एच सी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर समझेंगे इसको ठीक है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ सही है अच्छा, दो एग्जाम्पल्स लेते हैं और दोनों से एल सी एम एंड एच सी एफ की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं क्लियर अच्छा चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोपराइन नंबर्स की कोपराइन नंबर्स कौन से होते हैं पता है ना जिनका एच सी एफ वन होता है तो सबसे पहला केस ले लेते हैं कोपराइन नंबर्स का तो जैसे कि हमने निकाला कोपराइन नंबर ले लेते हैं हम टेल्व uh, और ले लेते ले हैं हम यहाँ पे सेवन सही है ट्वेल्व एंड सेवन ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है सही अच्छा दो ऐसे नंबर ले लेते हैं जो कि क्या है कोपरेट uh, नहीं है तो मान लेते हैं नंबर्स हो गए नंबर्स ले लेते हैं हम ट्वेल्व एंड सिक्सटीन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन और एक और केस ले लेते हैं हम नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे फोर एंड एट क्लियर है हमने सारे केसेस ले लिए तीनों केसेस ले लिए अब मैं आराम से प्राइम और हम क्या करते हैं कि एल्शियम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं चाहे प्राइम नंबर हो चाहे गो प्राइम नंबर हो चाहे नहीं हो तो कैसे क्या रिलेशन रहता है ठीक है तो सबसे पहले इनका एल्शियम निकालते हैं ट्वेल्व और सेवन का एल्शियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा ट्वेल्व और सेवन का अगर मैं एलसीएम सी निकालू तो ये कितना आ जाएगा टू ये सिक्स ये सेवन ये टू ये थ्री ये सेवन फिर थ्री वन सेवन फिर सेवन वन वन सही है अब सेवन थी तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन टू हो गया फोर्टी टू फोर्टी टू टू सही अच्छा अब इसका एच सी एफ निकालने की कोशिश करेंगे तो एच सी एफ कितना निकलेगा ट्वेल्व और सेवन का तो यहाँ से निकाल लेते हैं ट्वेल्व का क्या फैक्टर्स होता है टू ये कितना हो जाएगा सिक्स फिर ये टू फिर ये थ्री थ्री वन यहाँ से अगर सेवन का निकालू तो सेवन सेवन वन तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या अगर मैं ये वाला कट करके साइड में रख दूँ जैसे ये रहा इसको हम साइड में रखते हैं एल तो निकल ही चुका है ठीक है ना अगर इसका मैं एच निकालने की कोशिश करूँ तो ट्वेल्व का क्या था टू इंटू टू इंटू थ्री और सेवन का क्या था सेवन इंटू वन तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ कॉमन आ रहा है क्या वन आ रहा है तो एच सी एफ कितना हो गया बच्चा वन हो गया एच सी एफ कितना हो गया? हो गया. क्या बात समझ में आई एल्शियम कितना हो गया एट्टी फोर हो गया एच वन हो गया अच्छा इस केस की बात करें तो एल्शियम निकाल के बता सकते हैं हम अच्छे से बिल्कुल बता सकते हैं एल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वेल्व सिक्सटीन तो टू सिक्स एट टू थ्री फोर फिर टू थ्री टू फिर टू थ्री वन फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री वन वन तो थ्री टू जर सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू जर फोर्टी एट ये खत्म हो गया यहाँ पे एच सी फोर्टी एट हो गया ठीक है अब अगर एच निकालने की बात करें तो इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं इसको हटाते हैं साइड में रखते हैं ठीक है अगर मैं इसकी एच की, की बात करूँ तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व के अगर मैं फैक्टर्स करने की कोशिश करूँ तो टू इंटू टू इंटू थ्री सही और सिक्सटीन के फैक्टर्स करेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सही तो कॉमन देखेंगे तो दो कॉमन कितना आ रहा है टू इंटू टू फोर तो एच सी एफ कितना आ जाएगा बच्चा 4 आ आए गए और एच सी एफ निकालने में तो आएगी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सही है ना एलसीएम और एच सी आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं तो एलसीएम भी निकल गया एच भी निकल गया कॉमन निकालना होता है निकाल दिया इसका निकालते फोर और एट का और एट का निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा फोर और एट का फोर के फैक्टर्स कितने तो होते हैं इंटू टू सही अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगी पहले तो कॉमन लिख लूंगी तो टू इंटू टू और जो बचा हुआ फिर उसको भी लिख दूंगी तो टू इंटू टू इंटू टू एट हो गया सही एच सी एफ की बात करूं तो कॉमन लिखना है बस तो ये टू इंटू टू कॉमन आ रहा है दैट इज फोर क्लियर है सही है चलो अब है ना बात करते हैं एल सी एम सी एफ की रिलेशनशिप की सबसे पहली बात तीनों केस में देखना जो एल सी एम है जो एल सी एम है वो क्या है जो दो नंबर है उनसे बड़ा है देखना यहाँ पे ट्वेल्व और सेवन है यहाँ पे एट्टी फोर है ये फोर्टी एट है ये ट्वेल्व और सिक्सटीन है ठीक है ये फोर है ये एट है और एल सी एम क्या है यहाँ पे एट है तो या तो एल सी एम बड़ा दिख रहा है दोनों नंबर से या फिर इक्वल दिख रहा है तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो हमने देखी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि और टू ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आप सबको कि जो एल सी एम है वो दोनों नंबर से या तो बड़ा है या इक्वल है ठीक है सेकेंड एच सी एफ की बात कर लेते हैं चलो वापिस ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एच सी एफ की बात करेंगे तो एच सी एफ क्या है यहाँ पे देखो वन है मतलब दोनों नंबर से छोटा है फर्स्ट नंबर ट्वेल्व है सेकेंड नंबर सेवन है तो एच सफ वन है ठीक है यहाँ पे ट्वेल्व और सिक्सटीन एच सी एफ फोर यहाँ पे फोर और एट फोर सही तो मतलब कि क्या हो रहा है कि या तो या तो एच सी एफ क्या है दोनों नंबर से छोटा है या एक नंबर की इक्वल है ठीक है ना तो इसको भी लिख लेते हैं एलसीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर्स या फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो ठीक है ना इसको हटा देते हैं एल या तो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर होगा सॉरी <coughs> एल या तो ग्रेटर देन नंबर होगा नंबर्स होगा और एलसीएम इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स होगा वन ऑफ द नंबर्स किसी भी एक नंबर के बराबर होगा वन ऑफ द नंबर्स अगर नंबर्स डिफरेंट है तो ठीक है ना एलसीएम क्या होगा वन ऑफ द नंबर्स के बराबर होगा कोई भी बड़ा वाला नंबर जो भी होगा ना उसके बराबर होगा ठीक है ना तो इसमें इस केस में क्या होगा नंबर डिफरेंट होंगे नंबर इज डिफरेंट एकोबार मैं दिखा देती हूँ आपको नंबर डिफरेंट होने चाहिए और वैसे एलसीएम क्या होता है बड़े वाले नंबर के बराबर होता है बड़े वाले नंबर के एकोबार देख लेते हैं केस देखो इस वाले केस में बड़ा इक्वल था ना इस वाले केस में तो बड़ा एलसीएम पर इस वाले केस में क्या है इक्वल है और बड़े वाले नंबर के फोर और एट में बड़ा कौन सा है एट एच तो एम मीट के बराबर है ठीक है ना क्लियर है चलो अब एच सी एफ की बात करते हैं, की बात कर रहे थे तो एच सी एफ क्या होगा या तो लेस देन होगा एच सी एफ क्या होगा या तो लेस देन होगा नंबर्स एच इज इक्वल टू लेस देन नंबर्स होगा और एच सी एफ इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स होगा वन ऑफ द नंबर्स होगा नंबर्स क्या होंगे डिफरेंट ही होंगे नंबर क्या होंगे डिफरेंट होंगे नंबर इज डिफरेंट अब है ना नोटिस करना नोटिस करना एलसीएम बड़े वाले नंबर के बराबर होता है एचसीएफ छोटे वाले नंबर के बराबर होता है एक और बार मैं नोटिस करवाती हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे एचसीएफ नंबर फोर था नंबर फोर छोटा है ना तो एचसीएफ फोर है सही है क्लियर चलो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेशन की ठीक है ना नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन है वो चीज़ समझते हैं ठीक है ना एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच की रिलेशन ठीक है तो अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आते हैं तो चलो एट्टी फोर और वन वन तो हर किसी का फैक्टर होता है तो इस केस में तो एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम सी वन डिवाइड कर रहा है ना एलसीएम को करता है चलो क्या इस केस में भी HCF में LCM को डिवाइड करता है क्या कर रहा है देखो 4 की टेबल में 48 आता है तो मतलब कि ये HCF इसका फैक्टर है LCM इसका मल्टीपल है 4 की टेबल में 48 आता है मतलब कि HCF का मल्टीपल LCM है और LCM का फैक्टर HCF है ठीक है, है? इसकी इसकी बात करें हम एलसीएम और एचसीएफ की तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एच सी एफ क्या है एल सी एम को डिवाइड कर रहा है मतलब कि एट का फैक्टर फोर है और यहाँ पे फोर का मल्टीपल एट है क्यों क्योंकि फोर की टेबल में एट आता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि एच सी एफ इज अ फैक्टर एच सी एफ इज अ फैक्टर फैक्टर मल्टीपल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं एच सी एफ इज अ फैक्टर ऑफ एल सी एम एंड एल सी एम इज अ मल्टीपल ज अ मल्टीपल ऑफ एच सी एफ जैसे कि यहाँ पे एल सी एम एग्जाम्पल लेते हैं एल सी एम कितना था फोर्टी एट और यहाँ पे एच सी एफ कितना था फोर सही एल सी एम फोर्टी एट और एच सी एफ फोर्ट तो फोर की टेबल में फोर्टी एट आता है तो फोर की टेबल लिखूंगी तो फोर फोर एट सिक्सटीन सॉरी फोर एट ट्वेल्व फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन समझाने की कोशिश करते हैं फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू यहाँ पे थर्टी सिक्स फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी एट देखो आ रहा है ना फोर की टेबल में फोर्टी एट आ रहा है मतलब कि फ़ोर का मल्टीपल क्या हो गया फोर्टी एट हो गया मतलब कि ये इसका मल्टीपल है फैक्टर क्या होता है जो फोर इसको डिवाइड करता है तो फोर्टी एट के फैक्टर्स देखते हैं तो वन की टेबल में फोर्टी एट आता है टू की टेबल में आता है थ्री की टेबल में नहीं आता फोर की टेबल में आता है फोर्टी एट तो फोर इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया सिक्स की टेबल में आता है एट की टेबल में आता है है एंड एंड याद आ रहा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम जिनकी टेबल में वो आते हैं तो फोर की टेबल में फोर्टी एट आता है मतलब कि <coughs> ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया क्या ये बात क्लियर हुई सबको अच्छे से तो ये लाइन क्लियर हो गई इस एग्जाम्पल से एच सी एफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एच सी एफ सही ठीक है ना तो आगे बढ़ते हैं आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसको रिमूव करते हैं अच्छा अगर एच सी एफ है तो अगर केस ऑफ एच सी एफ टू वन एच सी एफ का वन होगा जब कोप्राइम नंबर्स की बात होगी व्हेन वी

अगर एच सी एफ ही वन है एच सी एफ ही क्या है, है तो वन इंटू एल सी एम इजल टू एन टू बी सही तो वन टू एल्म और यहाँ से हमारा क्या आ गया कि अगर एच सी एफ वन है तो एल्सीम किसके बराबर हो जाएगा एन टू बी के बराबर हो जाएगा तो इसका भी अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इसी केस में देखो इस केस में एच सी एफ वन आ रहा है सही तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर है क्या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंटू सेवन तो इस केस में क्या एल सी एम टू एन टू बी आ रहा है क्या एल सी एम इज टू एन टू बी आ रहा है क्या चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए कितना है ट्वेल्व है बी कितना है सेवन है तो ट्वेल्व सेवनजा एटी फोर क्या एलसीएम भी एट्टी फोर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है क्या इस केस से क्लियर हुआ अच्छे से क्या ये केस आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि अगर एल सी वन है तो एल कितना हो जाएगा एलसीएम टू कितना आ जाएगा ए इन टू बी के बराबर आ जाएगा और क्यों आ जाएगा ये रहा हमारा प्रूफ सही ठीक है तो इसको अब हटा देते हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं देखो मेरी बात समझना नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे मान लो मान लो एटीन को सिक्स डिवाइड करता है सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ एटीन है ना एग्जाम्पल से समझा रही हूँ फैक्टर ऑफ एटीन सही ठीक है ना तो यहां पे इन अ केस ऑफ सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ एटीन सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ एटीन सही है ना तो मतलब कि एटीन को सिक्स डिवाइड करता है एटीन को क्या करता है सिक्स डिवाइड करता है कम्प्लीटली ये लो 6 की टेबल में एटीन आता है ना 6 की टेबल में एटीन आता है कम्प्लीटली डिवाइड करता है हाँ है चलो ठीक है बढ़िया तो अगर सिक्स एटीन को डिवाइड कर रहा है तो उसके जो फैक्टर्स है ना वो भी एटीन को डिवाइड करेंगे जो सिक्स के फैक्टर्स है ना वो भी क्या करेंगे एटीन को डिवाइड करेंगे तो सिक्स के फैक्टर्स क्या हो गए सिक्स को मैं टू इंटू थ्री लिख सकती हूँ सिक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ टू इंटू थ्री लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती बेटा टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री तो मतलब कि अगर सिक्स एटीन को डिवाइड कर रहा है तो टू भी एटीन को डिवाइड करेगा और थ्री भी को डिवाइड करेगा सही बात बोल रही हो कि नहीं बोल रही मैं सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे की टेबल में की टेबल में एटीन आता है बिल्कुल आता है देख लो इधर तो एटीन एटीन के फैक्टर्स क्या हो गए वन टू टू की टेबल में आता है थ्री की टेबल में आता है फिर फोर की टेबल में नहीं आता फाइव की नहीं आता सिक्स की आता है ठीक है फिर सेवन एट नाइन नाइन की में आता है देन देन सिर्फ 18 की आता है यही है क्लियर तो देखो सिक्स अगर डिवाइड करें तो तो उसके दोनों फैक्टर्स और 3 भी 18 को डिवाइड कर रहे हैं ठीक है ना एक और देख लो चलो अभी जैसे कि मैं बात करूं ट्वेंटी सेवन की अच्छा ट्वेंटी सेवन को नाइन कंप्लीटली डिवाइड करता है सही है ट्वेंटी सेवन डिवाइड तो आंसर आ जाएगा रिमाइंडर जीरो है तो थ्री नाइन के फैक्टर क्या हो गए थ्री इंटू थ्री सही तो क्या थ्री भी ट्वेंटी सेवन को डिवाइड कर रहा है क्या ट्वेंटी सेवन को थ्री भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो ट्वेंटी सेवन का थ्री भी एक फैक्टर होगा तो इसको लिख लेते हैं इस पॉइंट को आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा इस पॉइंट को मैं लिखवा देती हूँ अच्छे से तो इफ अ एज अ फैक्टर ऑफ बी मान लें इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी कोई भी एक नंबर है जो कि क्या है बी का फैक्टर है ए इज अ फैक्टर ऑफ बीन ऑल दिल्सो विल ऑल्सो बी दैक्टर ऑफ बी तो ए के जितने भी फैक्टर हैं वो बी के भी फैक्टर्स होंगे क्योंकि वो उसको डिवाइड करेंगे क्लियर है सो आई होप ये फाइव पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे अच्छे से सही चलो आखिर बात करते हैं आज ही हम मतलब की हम ऑपरेटर प्रिडेंस मतलब कि बोडमास ठीक है ना तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रिस ऑपरेटर प्रिसीडेंस दिस इज नथिंग बट व्हाट इज इट बोर्ड मास बी बोर्ड मास यहाँ पे कितना बोर्ड मास बोर्ड मास पता है सबको क्या बोर्ड मास पता है सबको बोर्ड मास क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओ से ऑफ डी से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई ए से एड एस से सब ठीक है ये हमारा क्या चलता है हमारी प्रायोरिटी लेवल है तो अगर डिवाइड दिख रहा है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में बीच में हमें चूज करना है तो तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लाई ठीक है ना ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बस अगर ऑफ और इंटू साथ में आया तो ऑफ पहले सॉल्व होगा ठीक है डी मतलब डिवाइड एम मतलब मल्टीप्लाई ए मतलब एड और एस मतलब सब्ट्रैक्ट ठीक है तो इनपे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है अच्छा एक होता है वी बोर्ड मास उसके बारे में भी हम बात करेंगे पहले इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर वील टॉक अबाउट वी बोर्ड मास सो सेवेंटी थ्री ऑफ फोर्टी फाइव सेवेंटी थ्री ऑफ फोर्टी फाइव माइनस सिक्स इंटू सेवन सिक्स इंटू सेवन प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस फोर ऑफ फाइव फोर ऑफ फाइव ठीक है अच्छा ब्रैकेट में ना सबको दिक्कत आती है कि ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा बेटा ब्रैकेट में हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रेसिस और फिर उसके बाद में प्राइटी आएगी क्लोज ब्रैकेट की मतलब सबसे बड़े ब्रैकेट की ठीक तो है तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट मुझे ये दिखना है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा बाकी सबको हम एजिटिव लिख देंगे सेवेंटी थ्री ऑफ फोर्टी फाइव माइनस सिक्स इन सेवन प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा अच्छा माइनस और ऑफ है इस ब्रैकेट में क्या है माइनस और ऑफ है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा है बाकी सबको एज देंगे जब तक वो ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तो सिक्स इंटू सेवन प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस फोर फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सही

प्रायोरिटी वाइज चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो फोर्टी फाइव माइनस सिक्स एंसर कितना हो जाएगा फोर्टी टू प्लस थ्री फोर्टी टू प्लस थ्री अब ये अर्ली जब तक सॉल्व नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ना है तो ये फोर्टी फाइव और फोर्टी टू प्लस थ्री इज फोर्टी फाइव ठीक है तो फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इज जीरो ब्रैकेट ही प्रायोरिटी है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा सो दिस विल बी वॉट सेवेंटी थ्री ऑफ जीरो अब ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू तो सेवेंटी थ्री इंटू जीरो कुछ भी होता है तो क्या होता है जीरो ही होता है और ये हमारा आंसर आ गया क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ आपको ठीक है तो कुछ नहीं करना हमें बोर्ड मास की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है ठीक है अब एक और चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है इसमें तो वो क्या है वी बोर्ड मास तो वी मतलब होता है वेनिकुलम दिस इज समथिंग जो कि अभी आपके कोर्स में ऐड हुआ है जो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे वेनिकुलम वेनिकुलम मतलब होता है बार तो इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ठीक है ना इसको मैं लिख के बताती हूँ आपको कि ये दिखता कैसे है तो अगर बार दिख रहा है तो सबसे पहले क्या होगा बार ही सॉल्व होगा जैसे कि मेरे को लिखा है एक करके देखते हैं थ्री ऑफ फोर माइनस थ्री थ्री ऑफ फोर माइनस थ्री तो ये देखो ऊपर बार नहीं दिख रहा फोर और थ्री के बीच में दैट इज वेनिकुलम दैट इज वॉट तो ना तो पहले बारोल्व होगा तो यह फोर माइनस थ्री पहले सोल्व होगा ऑफ पहले सोल्व नहीं होगा तो फोर माइनस थ्री इज वन थ्री ऑफ वन कितना ऐसा तो नहीं करना कि पहले ऑफ सोल्व होगा तो थ्री इंटू फोर माइनस थ्री ऐसा मत करना नहीं वेनिकलम की प्रायरिटी सबसे ज्यादा होती है क्या ये बात क्लियर हुई सबको क्या ये बात क्लियर हुई एक वेनिकुलर पे क्वेश्चन कर लेते हैं सो so दैट ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्लियर करते हैं इस चीज को वेनिकुलम वाले क्वेश्चन को ठीक है एक क्वेश्चन में यहां लिख रही हूँ दिस इज वॉट बहुत ईजी क्वेश्चन है फिर अपन आगे बढ़ेंगे टू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री बार और यहां पे ये क्लोज ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन इज फाइव एटीन फाइव ब्रैकेट में दिस इज स्मॉल ब्रैकेट एटीन डिवाइड बाय एट माइनस फाइव माइनस थर्टी प्लस टू इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव ठीक है ना इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ना पहले इस पे आते हैं चलो देखो इधर तो वेनिकुलम जो होता है ना बार उसकी प्रायोरिटी ब्रैकेट से भी ज़्यादा होती है किससे ज़्यादा होती है ब्रैकेट से भी ज़्यादा होती है तो अगर वेनिकुलम दिख रहा है तो सबसे पहले वो ही सॉल्व होगा फिर ब्रैकेट चलेंगे अपन ठीक है अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जो बताने वाली है वो ये है ये कि बाकी सब तो छोड़ दो अभी बाकी सबको एज इट इज लिखते हुए चलो अच्छा ये आ, इसको मैं क्या कंसिडर करूँ फोर माइनस थ्री बार को माइनस फोर माइनस थ्री कि फोर माइनस थ्री क्या कंसिडर करें क्योंकि बाहर माइनस भी तो है तो माइनस फोर कंसिडर करना है कि सिर्फ फोर कंसिडर करना है तो बेटा सिर्फ फोर कंसिडर करना है ये केस कंसिडर नहीं करना क्यों क्योंकि माइनस पे बार है क्या इस वाले माइनस पे बार है क्या नहीं है तो इसको माइनस फोर कंसिडर करके माइनस सेवन नहीं लिखना समझ में आई बात तो हमारा बार में यही दोनों है ना तो बस ये दोनों सोल्व होंगे माइनस आप एज इट इज रहने दो तो फोर माइनस थ्री इज वन क्या ये बात क्लियर हुई बार उस पर ही यूज़ करना जिसपे दिख रहा है अगर माइनस पे बार नहीं है डोंट इंक्लूड इट सही अब बस इसको सॉल्व कर लो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है स्मॉल ब्रैकेट की तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टू माइनस यहाँ पे थ्री माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस वन इज फोर ठीक है तो ये खत्म हो गया सिक्स माइनस फोर इज टू कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई uh, डिवाइड तो बस ब्रैकेट ही सॉल्व करना है तो थ्री माइनस टू इज वन तो टू माइनस वन इज वन क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई सबको राइट right? आगे बढ़े ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसको मैं साइड में रख देती हूँ अभी और ये वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ठीक है इसको रिमूव करते हैं हम और ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ तो सेकंड क्वेश्चन इज फाइव ब्रैकेट में एटीन डिवाइड बाय एट माइनस फाइव माइनस थर्टी प्लस टू टू टेन डिवाइड ठीक है इसको हटा देते हम सो दैट कंफ्यूजन ना हो, क्लियर? इसको हम हटा देते हैं और मैंने यही क्वेश्चन यहां लिख दिया है, ठीक है चलो अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की तो देखो बार किस पे है एट माइनस फाइव पे तो सबसे पहले बार ही सॉल्व होगा तो दिस विल बी एट माइनस फाइव क्या डिवाइड इंक्लूड होगा इसमें नहीं होगा क्यों क्योंकि बात नहीं है डिवाइड पे तो एट माइनस फाइव सॉल्व होगा ये मत करना कि एटीन डिवाइड बाई एट कर रहे हो नहीं डिवाइड इंक्लूड ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पहले कर ये करम सॉल्व होगा तो एटीन डिवाइड बाई एट माइनस फाइव कितना होता है थ्री सही अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो स्मॉल ब्रैकेट की तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एटीन डिवाइड बाई थ्री कितना होगा जल्दी बताएं सिक्स अच्छा यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो वी कंसिडर एज मल्टीप्लाई तो फाइव इंटू सिक्स माइनस थर्टी सही अब किसकी प्रायरटी ज्यादा है इस ब्रैकेट की तो इस ब्रैकेट में किसकी प्रायरटी ज्यादा मल्टीप्लाई की माइनस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा थर्टी माइनस थर्टी करली ब्रेसिस प्लस टू इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव सही थर्टी माइनस थर्टी एज जीरो ब्रैकेट खत्म तो अब बात करते हैं बाहर की तरफ तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव अब इंटू और डिवाइड में किसकी प्राइटी ज़्यादा है डिवाइड की ठीक है तो जीरो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है जीरो प्लस समथिंग इज़ ज़ीरो ठीक है ना तो ये तो केस ही खत्म हो गया तो टू इंटू टेन डिवाइड बाई फाइव इज़ टू तो टू इंटू टू इज फोर ये हमारा आंसर ख़त्म हो गया क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आज की क्लास आपको क्लियर हुई और लाइक सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच